हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इग्नू ने अपने जो एग्ज़ामिनेशन है उसे कर दिया है पोस्टपोन्ड। और अब बच्चों के मन में जो मेन डाउट है वो यही उठ रहा है कि सर प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे एग्ज़ामिनेशन कब कंडक्ट होंगे। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है, आपको पता है जनवरी चल रहा है, आज जो है 11 तारीख हो चुकी है, और इस टाइम पे केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो लगभग मार्च तक या फिर अप्रैल तक जो है ये कोविड जो है थमेगा नहीं। थर्ड वेव की घोषणा हो चुकी है कि ये जो है तीसरी वेव आ चुकी है अब। तो अप्रैल तक मैक्सिमम बोला गया है कि अप्रैल तक जो है ये आपके जो कोविड की सिचुएशन है, अप्रैल मई तक जो है सुधरेगी। तो हो सकता है जो आपके एग्जामिनेशन है वो मई या फिर जून में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर केसेस कम होते हैं तो आपके एग्जामिनेशंस की जो डेट है वो जरूर जो है ले आएंगे ये। लेकिन अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से यही है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है मई या फिर जून में कंडक्ट कराए जाएंगे। पर अब यहाँ पर बात उठती है कि अगर मई और जून में एग्जामिनेशन होंगे, दिसंबर स्टूडेंट के साथ में ही कई बैकलॉग स्टूडेंट भी हैं जिनके एग्जामिनेशन अभी होने थे, तो उनका क्या होगा? उनका जो समय खराब होगा उसके उसके जो उसका जो हर्जाना है वो कौन देगा? क्या इग्नू बच्चों का वो टाइम लौटा के दे सकता है, या बच्चों का जो फाइनेंशियल लॉस होगा? कई कई स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब करते हैं साथ साथ, उन्हें ग्रेजुएशन की अपनी नीड है, क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब्स होती है वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी तो होती है। कई स्टूडेंट्स को अपने कैरियर के रिगार्डिंग फैसले लेने हैं कि आगे वो मास्टर्स करें या फिर मास्टर्स के आगे पीएचडी करें। बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट के मन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम पर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई है। तो इस समय पर अगर इग्नू एग्जामिनेशन कंडक्ट ना करके 6-6 महीने का गैप ले रहा है तो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ये नाइंसाफी हो रही है। मैं इग्नू से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो भी फैसला ले रहे हैं जल्द से जल्द लें। बाकी आपके एग्जामिनेशन जो है मई या फिर जून में ही अब जो है वापस से कंडक्ट होंगे। तो स्टूडेंट का ये डाउट था, इस वजह से मैंने इस डाउट को लिया। और इस समय पर यार देखिए, ये चीज़ मेरे को बोलनी सही नहीं लगी कि जनवरी चल रहा है और मैंने डायरेक्ट मई बोल दिया, लेकिन कुछ सोच समझ के बोला है, अपनी रिसर्च के बाद बोला है। क्योंकि आप जो है YouTube वगैरह पे या फिर आप जो है Google पे सर्च करिएगा इस टाइम पे कोविड की सिचुएशन क्या है। डेली बेसिस पे केस निकल निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग शहर में अलग अलग स्टेट्स में आपके लॉकडाउन जो है हो रहे हैं, और सिचुएशन इतनी बदतर होती जा रही है कि केसेस डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक वेव जो है एटलीस्ट 6 मंथ लेके जाती है, लेकिन इस वेव के रिगार्डिंग जो है अनुमान लगाया गया है कि ये मार्च या फिर अप्रैल तक चलेगी। तो जाहिर सी बात है आपके जो एग्जामिनेशन है वही मई में होंगे। बाकी कोई भी डाउट्स है आप बेफिक्र जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे, उसके रिगार्डिंग आपको बताएंगे। रही बात इग्नू के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, तो उसके रिगार्डिंग भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी हमने तो रिक्वेस्ट करके देख ली यूट्यूबर से, बाकी आगे देखिए क्या होता है। आप जो है हमारे अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।